भाइयों आप देख सकते हैं इस ऑटोनेक्स कंपनी के जो ट्रैक्टर का फ्रंट है, देखने में लुक इसका इतना प्यारा है। ये देखिए इसकी 3D लाइट है और यहाँ इसका 3D लोगो भी दिया गया है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका लोगो है, यहाँ पे जो जाली दी गई है और यहाँ नंबर प्लेट के लिए, और यहाँ बोनट है इसका, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके अगर हम फ्रंट एक्सल की बात करें, ये नॉन एडजस्टेबल जो इसका फ्रंट एक्सल है, साथ ही मैं आपको इसका चार्जर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, जो कि अगर 3 फेस में है तो एक घंटे, सिंगल फेस में है तो 6 घंटे इसे चार्ज होने में जो किसान भाइयों लगते हैं। आइए मैं आपको इसका थोड़ा सा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ऑटोनेक्स कंपनी का जो ब्रांडिंग यहाँ दी गई है, और ये हुक दिया गया है। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कुछ देखने में इसका स्टेयरिंग है इस तरीके से है, और ये देखिए पूरा 90 डिग्री पर घूम जाता है। अगर हम इसके गियर की बात करें, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स इसमें दिए गए हैं। सामने की तरफ इसके गियर दिए हैं, डुअल क्रिच में है। अगर हम ये देखिए इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिया गया है। अच्छा, ये बैटरी का परसेंटेज किसान भाइयों यहाँ से दिखाएगा, 93% ये अभी चार्ज है, और RPM मीटर है। अच्छा, ये देखिए पावर, ये सब कुछ इसमें दिखा रहा है। डैशबोर्ड इसका कुछ इस तरीके का दिया गया है किसान भाइयों, और ये हैंड रेस है यहाँ पे दी गई है। ये इसकी की है 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर के साथ मिल जाता है। इसके अगर हम ब्रेक की बात करें, ऑयल इमर्सिड है, ऑयल इमर्सिड ब्रेक दिए गए हैं किसान भाइयों। यहाँ ये चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, और यह बैक के लिए मतलब शीशा दिया गया है, और ये लाइट का पूरा फंक्शन है। हूबहू ये उस ट्रैक्टर की तरह ही बंद होता है जो हमारे नॉर्मल ट्रैक्टर होते हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाइयों, ये टूल बॉक्स भी दिया गया है यहाँ देख सकते हैं आप, और ये PTO पावर के लिए क्लिच यहाँ पे दिया गया है। अगर हम इसकी सीट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथली है। सामने पे देखने पे कुछ इस तरीके का इसका जो, ये देखिए इसकी बैटरी के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे सर जी, इसकी बैटरी के बारे में बताओ हमारे किसान भाई। बेसिकली जो बैटरी है अभी का एडवांस टेक्नोलॉजी बैटरी, आपको पता है कि लिथियम बैटरी जो है अभी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, जो कि वो हल्की होती है, ज़्यादा पावरफुल होता है, जल्दी चार्ज होता है, और लेस चार्जिंग में लॉन्ग टाइम वर्किंग करता है। लेकिन अभी हम देखा गया है कि लिथियम बैटरी हीटिंग में या कूलिंग सिचुएशन में वो जल्दी फट जाता है या आगे जाता है, मतलब दिस इज़ द न्यू बैटरी, इसको हम कहते हैं LFP बैटरी, लिथियम आयरन फॉस्फेट या लिथियम फेरस फॉस्फेट कहते हैं। इन बैटरी का खासियत ये है कि ये बैटरी कभी भी ओवर हीटिंग मतलब 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी आपके ट्रैक्टर हैवी वर्क के साथ काम कर सकती है। और मैं कूलिंग की बात करूँ तो अगर तापमान आपका गिर करके नीचे 0 चल जाता है 0-1-2 चल जाता है तो भी आपकी बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी गाड़ी सिंगल बटन पुश से स्टार्ट हो जाएगी एंड सेम एफिशिएंसी में वर्किंग करेगी। बात करूँ मैं बैटरी की, तो बैटरी जो है वो 38.4 किलोवाट की बैटरी है, जो कि अल्टीमेटली एक BMS सिस्टम के साथ लगा हुआ है, और BMS जो है इसकी बैटरी को कम्प्लीट मैनेज करता है कम्प्लीटली। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कितने दिन की गारंटी वारंटी कंपनी की तरफ से। दरअसल बैटरी की बात करूँ तो बैटरी जो है आपकी 1500 चार्जिंग साइकिल की वारंटी है। इट मीन्स कि अगर आपका एक चार्जिंग में लगभग अगर आप 4 घंटे काम करते हैं खेती में, और अगर मैं बात करता हूँ लोडर सेगमेंट में 8 से 10 घंटे काम करते हैं, तो उस हिसाब से होता है आपका 15,000 घंटे, और इसमें होता है तो ये हो जाता है 6,000 घंटे। तो 6,000 घंटे खेती में आपकी वारंटी है, तो लगभग 6 साल की वारंटी हो गई आपकी। किसान भाई 6 साल की वारंटी के साथ ये ट्रैक्टर मिलता है, आपको देख सकते हैं इसका डिज़ाइन हमने आपको दिखा दिया, हूबहू जो टायर का साइज वही है, और अपोलो कंपनी का टायर है, 14 और 28 के टायर है। मरघाट कुछ इस तरीके का दिया गया है, यहाँ देखिए इसका इंडिकेटर कुछ इस तरीके का दिया गया है, नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, और हैलोजन बल्ब दिया गया है, और साथ ही पीछे ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है। अगर हम इसके पीछे की तरफ जाएँ, यहाँ गार्ड दिया गया है, चेयर और MB पिलाव के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, PTO ऑप्शन भी दिया गया है। तो कुछ इस तरीके का लिफ्ट कैपेसिटी हमने पूछी नहीं है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है किसान साथियों। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर लगी होगी।